देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे। और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में हो रही है। जब ट्रंप साहब आए थे, उनकी वाइफ मिलेनिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था, वो दिल्ली के स्कूल देखने गई, उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में काफ़ी तारीफ़ की। वहाँ उसके पहले नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आई, यूएन यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून साहब वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। ये तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। हमें इस किस्म की उसको और एनकरेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ऐसी चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। सर, 2019 में भी आपको इस तरह का न्योता मिला था और केंद्र सरकार ने अप्रूव नहीं किया था, आपको क्या कमी नजर आती है? अभी जो आपने जाना है उसमें आपको इसमें क्या कमी नजर आती है? इसमें आपको लगता है कि बड़ी राजनीति है? जाहिर तौर पे राजनीति है, और इसके अलावा कोई कारण का लीगली तो कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कोई कहीं कोई अपराध कर रखा है। कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता, चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता? और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज़्यादा नहीं जाता, मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है एक दो विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़ के सबको एक साथ होके, एकजुट होके देश की तरक्की की बात करनी है।